उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विद्युत सेवा आयोग के लिए 1782 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और चयनित युवाओं को शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में कहा कि आज मुझे प्रसन्नता है कि मिशन रोजगार के तहत प्रदेश के युवाओं को अलग अलग विभागों में सेवा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मैं युवा प्रतिभाओं को, उनके परिजनों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार युवाओं को स्वच्छता एवं पारदर्शिता से नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 7 सालों में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई है। प्रदेश में नौकरी एवं रोजगार की नई संभावनाओं के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था हम सबके सामने है। पहले यहाँ कोई निवेश नहीं करना चाहता था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 10 लाख करोड़ से अधिक निवेश की परियोजनाओं का धरातल पर उतारा गया है। इससे लगभग 34 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने नव चयनित युवाओं से पूरी निष्ठा के साथ सरकारी सेवा के दौरान कार्य करने की सीख दी। इस मौके पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, दिनेश खाटेक, रामकेश निषाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 1800 नौजवानों को आज प्राप्त हो रहे नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री AK शर्मा जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, नौ चयनित प्रदेश के हमारे सभी युवा साथियों, आज मुझे प्रसन्नता है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 1800 युवा प्रतिभाओं को प्रदेश के अलग अलग विभागों में, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में, आवास विकास परिषद में, आयुष विभाग में, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में, सचिवालय प्रशासन विभाग में, प्रशासनिक सुधार विभाग में, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, गृह विभाग में उन्हें आज नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं प्रदेश के इन सभी अलग अलग विभागों के लिए चयनित युवा प्रतिभाओं को प्रदेश की सेवा में आने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं और उनके परिवारजनों को और उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का और डबल इंजन सरकार का मिशन भी है। स्वच्छता में पारदर्शी तरीके से हर नौजवान को उसका अधिकार प्राप्त हो सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसी का परिणाम है कि पिछले 7 वर्ष के अंदर
छह लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने अब तक प्रदेश के शासकीय विभागों में नौकरियां प्रदान कर दी हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया सभी आयोग और बोर्डों के माध्यम से निरंतर जारी है। एक तरफ सरकारी विभागों में पूरी शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं के लिए भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए थे, आज उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम कैसे होता है, यह आज हम सबके सामने है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, उस प्रदेश में देश भी और दुनिया भी आज निवेश करने के लिए आ रही है। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा, गत सप्ताह ही प्रधानमंत्री जी ने 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारा था, यानी उनका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब आप जानते हैं, 34 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी।